वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ अरियाना ग्रांडे का मेकअप, और इसके लिए मैं आई मेकअप करने वाली हूँ। तो मैंने पिंक आई शेडो ले लिया है और ये बहुत ही अच्छी शेड का है, तो इसको मैं बिल्कुल लाइन के अंदर इसको अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो फ़ोटो मैंने आपको पहले दिखाया था अरियाना का, तो उसमें जो है उसने पिंक कलर का आई शेडो यूज़ किया है, तो इसीलिए मैं पिंक कलर का आई शेडो ले रही हूँ। और इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और जब आप किसी आई शेडो को अप्लाई करते हो ना, तो उसके ऊपर वाले हिस्से को लाइट रखने के लिए वहाँ पे आप ज़्यादा ब्लेंड करते हो, तो इसीलिए अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और बिल्कुल इस तरह से। और पिंक आई शेडो क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, मैंने आज ड्रेस भी पिंक कलर की पहनी है ताकि सब कुछ पिंक पिंक हो जाए और काफ़ी अच्छा लगे। और पिंक आई शेडो यूज़ करने के बाद मैं पिंक कलर का ही जो है ये शिमरी कलर का जो शिमरी आई शेडो है वो यूज़ कर रही हूँ, जो लाइट पिंक, बहुत लाइट पिंक शेड का है। आई थिंक बेबी पिंक है ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शाइन जो कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। अब ये वाला आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे से पिंक वाले को ब्लेंड कर लूँगी बाहर तक, ताकि क्योंकि इसके बाद अब हमें आईलाइनर भी लगाना है ना, तो ये मैं आईलाइनर लगाऊंगी। तो आईलाइनर लगाने में तो भैया मैं प्रो हो गई हूँ, तो जैसा कि मैं पहले वाली वीडियो में भी बताती थी कि आईलाइनर अगर आप जितना आप लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छे से लगेगा। जैसे मुझे अब लगता है कि मेरा आईलाइनर अब काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लग जाता है, और ख़ासकर ये वाला जो स्टाइल है आईलाइनर का, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और अरियाना ने भी इसी उसका स्टाइल का आईलाइनर लगाया था। उसके बाद मैं पिंक आई शेडो से ही अपने चीक्स को जो है वो ब्लश कर रही हूँ, मतलब अप्लाई कर रही हूँ, ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। तो काजल को अच्छे से लगा देने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत आगे तक बहुत अच्छे से लगाया। उसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, वो भी पिंक कलर की है, वो मैंने ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि वो अगर मैं ज़्यादा लगा लेती तो शेड काफ़ी उसका डार्क हो जाता। उसके बाद मैंने वही शिमरी कलर का आई शेडो इसके ऊपर जो है अप्लाई कर दिया, ताकि शाइन करे, काफ़ी अच्छा दिखे। तो इसीलिए मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक के ऊपर ये यूज़ किया। उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। तो मस्कारा तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आईज़ के लिए, इससे जो है आपके आईलैशेस बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं। मुझे लगता है ना कि मुझे आईलैशेस, फेक आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरा लुक जो है हो गया है रेडी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।